नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं बीए पार्ट वन के लिए, सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए देखने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। मतलब बीए यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर रहने वाला है, जिसमें हो जाएगा अपना हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री का लेक्चर रहने वाला, ये हो जाएगा लेक्चर नंबर 6, ठीक है। इससे पहले हमने 5 क्वेश्चन देख रखे हैं, गुलाम वंश हमने खत्म कर दिया है और हम खिलजी वंश की ओर आगे बढ़ चुके हैं। खिलजी वंश से कर चुके हैं 1 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है, और हम सेकंड क्वेश्चन को देखने वाले हैं। खिलजी वंश से तथा गुलाम वंश से हमें 1 क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इस प्रकार से सारे के सारे क्वेश्चन प्रकार से हमें पढ़ना है, ठीक है। तो बात करते हैं, सबसे पहले कौन आया था? गुलाम वंश आया था। उसका संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कह सकते हैं गुलाम वंश का जो अंतिम शासक हो जाता है वो हो जाता है कुकैक बाद, ठीक है। उसके बाद होती है यहां पर खिलजी वंश की स्थापना, और खिलजी वंश का जो प्रथम शासक हो जाता है वह हो जाता है जलालुद्दीन खिलजी। और जलालुद्दीन खिलजी कैसा था? एक उदार शासक हो जाता है। नाम में तो जलालत है, मगर वो है कैसा? बिल्कुल उदारवादी। मतलब मन का कैसा है? बिल्कुल शुद्ध है। और कैसा है? उदारवादी व्यक्ति था, ठीक है, उदारवादी शासक था। तो बात करते हैं उसके बाद कौन आया था। उसके बाद हमारा आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी, जिसने कौन बना था? तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान बना था, ठीक है। तो हमने जो हो जाती हैं अलाउद्दीन खिलजी की मंगोलों के प्रति नीति जो हो जाती है उसको भी हमने देख लिया, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे यहां पर, क्वेश्चन नंबर 6 को बहुत अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन करने वाले हैं। और फ्रेंड्स आपको बता दूं, अगर आप हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं हमसे, तो आपको हमारा नोट्स लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आप अदरवाइज नोट्स लोगे तो आपको वह मैच नहीं करेगा, ठीक है। और सारे के सारे क्वेश्चन जैसे कि हम यहां पर पढ़ा रहे हैं वैसे ही आपको लिख के आना है। हेडिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है आपके लिए, ठीक है। तो हेडिंग पर कुछ ज्यादा फोकस देना है। अगर आपकी हेडिंग मजबूत होंगी तो आपको नंबर कैसे मिलेंगे? मजबूत मिलने वाले हैं। अगर हेडिंग आपकी कमजोर रहने वाली है तो आपको क्या हो जाएंगे भाई? नंबर भी आपको कम मिलने वाले हैं, ठीक है। तो हेडिंग पर कुछ ज्यादा फोकस कीजिएगा। तो बढ़ते हैं फटाफट। देखो, कोई भी क्वेश्चन आप लिखो, कोई भी क्वेश्चन एक्सप्लेन करो, तो उसके बारे में मैंने यहां पर कुछ बकवास आपके यहां पर की, तो आपको क्या करना है? अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक सुधारों का जो वर्णन दे रखा है, सबसे पहले क्या करेंगे? इससे पहले भी गुलाम वंश एक बॉक्स में बंद करेंगे ऊपर, ठीक है, ऊपर एक बॉक्स बनाएंगे ना, उसमें क्या करने वाले हैं? उसमें हम लिखने वाले हैं कि खिलजी वंश से पहले कौन आया था? खिलजी वंश से पहले आया था गुलाम वंश। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? कुकैक बाद था, ठीक है, लिख दिया ना? बिल्कुल। उसके बाद नीचे लिखेंगे, अब आई स्थापना होती है किसकी? खिलजी वंश की। और खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था, ठीक है। उसके बाद अब हम यहां पर पढ़ने वाले किसके बारे में हैं? पढ़ने वाले हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अगर वह बॉक्स इतना सा होगा, ठीक है, तो इसका मतलब जो चेक करने वाला होगा कॉपी, वो क्या करेगा कि बंदे को कुछ ना कुछ भाई आता है ना। तो बस नंबर आपको फुल मिलने वाले हैं, थोड़ा सा उसको चिपका देना, ठीक है, बॉक्स में बंद करके आपका काम हो जाएगा। और हेडिंग तो लिखना ही लिखना है भाई, थ्योरी तो लिखना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं फटाफट थ्योरी की ओर। तो बात करते हैं आज का जो क्वेश्चन हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर 6 रहने वाला है, जिसको हम देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का वर्णन कीजिएगा। क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी था एक बहुत ही कह सकते हैं जैसे अपने राज्य की रक्षा करने के लिए बहुत कुछ करने वाला था, है ना, बहुत ही साहसी कह सकते हैं, बहुत ही साहसी, क्योंकि इसने मंगोलों के प्रति, मंगोलों ने भारत पर बहुत बार आक्रमण किया था। इससे पहले वाले क्वेश्चन ने बहुत अच्छी प्रकार से देखा है ना, जिसमें कौन थे? जिसमें अलाउद्दीन खिलजी हो जाते हैं, ठीक है, और कह सकते हैं इनके जो सेनापति थे उन्होंने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो यहां पर जो हो जाता है, जब वहां पर उन्होंने मंगोलों के प्रति अच्छी भूमिका निभाई क्यों? पहली बात ये थोड़ा सा क्वेश्चन बन जाता है कि मंगोल तो बहुत ही संख्या में थे, ठीक है, बहुत संख्या में थे, बहुत लोगों ने इकट्ठे होकर मंगोलों ने आक्रमण किया था। 2-2 लाख लोगों ने हमारे कह सकते हैं भारत पर अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आक्रमण किया था, मगर अलाउद्दीन खिलजी भी उनसे जीत गए थे, है ना। हर बार मुगलों का क्या किया था? पराजय किया था। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों किया था? क्योंकि इससे पहले कुछ सुधार किए थे उन्होंने, जो यहां पर वह हो जाते हैं भाई, हम देखने वाले हैं। जैसा हो जाता है, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों का वर्णन कीजिए, अथवा यह क्वेश्चन आपको इस प्रकार से देखने को मिल सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण नीति का वर्णन कीजिए। अब क्वेश्चन बनता है कौन सा? एमसीक्यू क्वेश्चन कि बाजार जो नियंत्रण है, बाजार नीति जो है वो किसने लागू की थी? तो वह लागू की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है। तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण नीति का वर्णन कीजिएगा, या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से भी देखने को मिल सकता है, अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक सुधारों बाजार नियंत्रण व्यवस्था का वर्णन कीजिएगा, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं किसको आंसर।
आपको बताया मैंने क्या बताया, एक बॉक्स बनाना है उसमें थोड़ी सी थ्योरी लिख देना है जिसमें आपको क्या मिलेगा, नंबर मिल जाएंगे भाई। ठीक है आगे बढ़ते हैं, तो उत्तर हमने डाल दी हेडिंग, ठीक है अब हम करने वाले हैं इसकी थ्योरी पढ़ने वाले। तो बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की, बाजार व्यवस्था एक मौलिक मौलिक प्रयोग था। कैसा था? एक मौलिक प्रयोग था, किसके लिए? समाज के लिए प्रयोग था। ठीक है तो बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की, बाजार व्यवस्था एक मौलिक प्रयोग था जो जनता के हित में उठाया गया, सबसे प्रभावशाली कदम साबित हुआ। कैसा हुआ? सबसे प्रभावशाली कदम साबित हुआ, किसके अनुसार? जनता के हित में। ठीक है फिर बात करते हैं, संपूर्ण मध्यकाल में वही एकमात्र सुल्तान था। संपूर्ण मध्यकाल, ध्यान से देखो, संपूर्ण मध्यकाल, ये बहुत ही दिमाग था इसके अंदर। ठीक है अपने राज्य के लिए कुछ भी करना चाहता था ये, ठीक है मतलब बहुत कुछ करना चाहता था। तो संपूर्ण मध्यकाल में वही सुल्तान था जिसने प्रशासन की आर्थिक पक्ष को महत्व देते हुए संगठित प्रयास किया। इतिहासकार बर्नी ने इस व्यवस्था की प्रशंसा की है। किसने? इतिहासकार, जो इतिहास लिखते हैं, कौन? बर्नी। ठीक है तो इनका नाम याद कर लेना कि इतिहास इतिहासकार कौन है? बर्नी ने इस व्यवस्था की प्रशंसा की है। किसकी? अलाउद्दीन खिलजी की, बाजार व्यवस्था की। ठीक है आगे बढ़ते हैं, आर्थिक सुधारों के कारण। अब बर्नी के अनुसार आर्थिक सुधारों के कारण कौन कौन से हो जाते हैं? बर्नी के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के काल में बाजार व्यवस्था को नियंत्रित करने के निम्नलिखित कारण थे। बाजार व्यवस्था को नियंत्रित करने के कारण क्या थे? उसने बाजार व्यवस्था यूं ही नहीं चलाई थी, कुछ ना कुछ कारण रहे होंगे। तो वही कारण कौन बताते हैं? इतिहासकार बर्नी बताते हैं। अब वह कौन कौन से हो जाते हैं यहां पर हम देख लेते हैं। पहला जो बताया है बर्नी ने, वह बताया है सैनिक आवश्यकता। किसके लिए बाजार नियंत्रित करा था? बाजार नियंत्रण नीति जो है वो किस लिए चलाई थी? क्योंकि सैनिक आवश्यकता के लिए। अगर बाजार नियंत्रित हो जाएंगे तो सैनिक जो होंगे ना, सैनिकों को हम अच्छा एक प्रकार से उन्हें खाना रहन सहन दे सकते हैं। ठीक है अगर बाजार हमारे नियंत्रण में नहीं होंगी तो बाजारों में जो खाना वगैरह है ना, जो अनाज वगैरह है, वो क्या होगा? वो तो अपने रेट में बेचेंगे। अगर हमारे नियंत्रण में होंगी तो क्या करेंगे? हम अपने नियंत्रण में ही उन्हें बिकवाएंगे। ठीक है तो यहां पर एक तो हो जाती है सैनिक आवश्यकता के लिए उन्होंने बाजार नीति अपनाई थी, बाजार व्यवस्था अपनाई थी, और एक हो जाती है कि बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए। किसकी? बढ़ती कीमतों को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी? बाजार व्यवस्था चलाई थी। और एक हमारी हेडिंग हो जाती है, वो हो जाती है जनता को बाजार समस्याओं से निजात दिलाने के लिए, और एक हमारी हो जाती है राजस्व में वृद्धि करने के लिए। क्योंकि अगर बाहर की जो सब्जियां वगैरह हैं, अनाज वगैरह हैं, वो महंगे हो जाएंगे। ठीक है तो जो यहां पर जो सैनिकों की कमी है, बढ़ती हुई कीमतों को रोकने की बात हो रही है, और जनता को बाजार समस्याओं से निजात दिलाना है उसकी बात हो रही है, और राजस्व की क्या हो रही है? कमी हो रही है, उसको वृद्धि करने के लिए बाजार नियंत्रित को चलाया था। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है बढ़ते हैं फटाफट, ये किसने बताया है? बर्नी ने बताया है। किसने? बर्नी के अनुसार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा दे रखा है, वो दे रखा है आर्थिक सुधारों की विशेषताएं। अब आर्थिक सुधारों की विशेषताएं कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण हेतु जो आवश्यक कदम उठाए गए थे उनकी विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार से हो जाती हैं। तो पहली जो हो जाती है, वस्तुओं का मूल्य निर्धारण हो गया। वस्तुओं का क्या हो गया? मूल्य निर्धारण हो गया। अलाउद्दीन ने दैनिक उपभोग की वस्तुओं की कीमतें अत्यंत सावधानी से निर्धारित की। कैसे की थी? अत्यंत सावधानी से, जो दैनिक प्रयोग होती हैं, रोजाना प्रयोग होती हैं, उन वस्तुओं को अलाउद्दीन खिलजी ने कैसे की? इन कीमतों को अत्यंत सावधानी पूर्वक से निर्धारित किया। बर्नी के अनुसार कुछ वस्तुओं के मूल्य निम्न प्रकार थे। अब ये खाद्यान्न वस्तुएं होती हैं, इनके मूल्य आप देख सकते हो। गेहूं का जो मूल्य था वो था 7/1/3, मतलब 7 × 1 = 22 जीतल प्रति मन। अब जीतल कोई वस्तु होगी ना, उस समय जो मुद्राएं वगैरह चलती होंगी जीतल होंगी, तो जीतल प्रति मन, मन कितने, मन कितने का होता है? 20 किलो का होता है भाई मन, 20 kg का। ठीक है इतने मन। उसके बाद करते हैं तो जौ हो जाती है, जौ, जौ कितना रेट था उसका? इसका था 4 जीतल प्रति मन। तथा चावल का जो रेट हो जाता है वो हो जाता है 5 जीतल प्रति मन,
और नमक का जो रेट हो जाता है वो हो जाता है 5 जीतल प्रति, ये हो जाता है 2 दुनी 4 1 5, 5/2 मन, ठीक है, 2 या फिर 10 किलो कह सकते हैं इसे, 2 दुनी 4 1 5, तो 5/2 कितना हो गया, 2, ठीक है, तो इसे डिवाइड कर सकते हो 5/2 में, 2 दुनी 4 1 5, इसे काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 दुनी 4 पॉइंट, मतलब 0.5, ठीक है, तो इसे कह सकते हैं ये हो गया 0.5 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये हटाएंगे 200, तो ये अपना जाएगा कितनी बार जाएगा भाई, 50 बार जाएगा ना, रुकिएगा, 25 को 400 से काटे, अरे क्या हो रहा है, सॉरी सॉरी कटनी है ना, रुकिएगा थोड़ा सा, ये कितना आया निकल के, 2.5 निकल के आया है, ठीक है, अगर 20 kg को 2.5 से काटेंगे पॉइंट आ जाएगा 0, 25 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, तो इसका मतलब 8 kg, ठीक है, मतलब 5 जीतल में कितना 8 kg दिया जाता था, ठीक है, तो इस प्रकार से आप इन्हें निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं, तो इनका आपको याद तो करना पड़ेगा कि खाद्यान्न के अनुसार कौन सा, गेहूं जो था वो था 7 मतलब 21/3 जीतल प्रति मन था, तथा जौ था 4 जीतल प्रति मन, चावल था तुम्हारा 5 जीतल प्रति मन, तथा नमक क्या हो जाता है, नमक हो जाता है 5 जीतल प्रति 8 kg, ठीक है, 8 किलो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट अपना हो जाता है, इसी प्रकार से इसकी हेडिंग देख लेते हैं, फटाफट पढ़ते हैं, इसी प्रकार वस्त्रों हो जाते हैं पशुओं दास दासियों और प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली सभी वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर दिए गए थे, किसके, वस्त्र हो जाते हैं प्रत्येक दिन पहनते हैं, पशु वगैरह हो जाते हैं दास दासियां जो हो जाती हैं, और प्रतिदिन प्रयोग में आने वाली सभी वस्तुओं के मूल्य निर्धारित कर दिए गए थे, अच्छी नस्ल के घोड़े जो थे वो 100 से कितने 200 टंक, क्या थे, टंक, ध्यान रखना इन नामों को याद रखना कि 100 से 200 टंक में, तथा साधारण घोड़े जो थे वो 65 टंक के मिलते थे, कितने, 65 टंक के मिल जाया करते थे, दोनों का याद रखना है, घोड़ा कितने का मिल रहा है, अच्छी नस्ल का वो मिल रहा है 100 से 120 टंक, और जो साधारण घोड़े हैं वो कितने हैं, 65 टंक के मिल जाता था। गल्ला मंडी में भाव की स्थिति जो स्थिरता थी वो अलाउद्दीन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, किसमें, गल्ला मंडी में। बर्नी के अनुसार जब तक जीवित रहा इन मूल्यों में तनिक भी वृद्धि नहीं हुई, जब तक अलाउद्दीन खिलजी जीवित रहा था तब तक ना गल्ला में और ना ही जो प्रतिदिन उपयोग वाली वस्तुएं होती हैं उन पर कोई भी आपको वृद्धि देखने को नहीं मिली, ये किसने कहा है, बर्नी के अनुसार कहा गया है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्यापारियों का पंजीकरण, किसका, व्यापारियों का पंजीकरण, हमारी नेक्स्ट हेडिंग हो जाती है, नेक्स्ट जो व्यवस्था देखने को मिलती है वो हो जाती है व्यापारियों का पंजीकरण किया गया, साम्राज्य के सभी भागों में व्यापारियों को अपना नाम दीवान रियासत में दर्ज करना पड़ा, क्योंकि तो क्या हो रहा है, पंजीकरण हो रहा है, तो कहां पर, दीवान ए रियासत में दर्ज करना पड़ा, इन्हें क्या कहते थे, इन्हें सहना ए मंडी के नियंत्रण में रखा गया, कहां पर, सहना ए मंडी, कौन सा, सहना ए मंडी के नियंत्रण में रहना पड़ता था, उनसे लिखित प्रतिज्ञा पत्र लिखा जाता था जो वे ठीक समय पर निर्धारित मूल्य पर सामान बेचते थे, कौन सा, ठीक समय पर तथा निर्धारित मूल्य पर भी क्या बेचते थे, सामानों को बेचते थे, ठीक है, आगे देखते हैं, जो हमारी थर्ड हेडिंग हो जाती है वो हो जाती है सरकारी गोदामों का निर्माण, क्योंकि जब भाई वहां पर स्टॉक होगा तभी तो अपनी जनता को वो क्या कर पाएंगे, खुशी कर पाएंगे ना, बिल्कुल खुश कर पाएंगे, तो यही बात करते हैं सरकारी गोदामों का निर्माण, तो अकाल के समय अन्न के अभाव को दूर करने के लिए सरकारी गोदामों का निर्माण किया गया, सुल्तान ने आदेश दे रखा था कि दोआब और खालसा भूमि से भूमि कर अनाज के रूप में वसूला जाएगा, कहां पर, दोआब और खालसा भूमि से, कहां से, दोआब और खालसा भूमि से जो भूमि कर है वो अनाज के रूप में वसूला जाए, इस अनाज का दिल्ली के सरकारी गोदामों में संग्रह किया जाता था, ये जो अनाज था जो कहां से, दोआब से और खालसा भूमि से
ये यहां पर कर के अनुसार लाते थे, वो कहां रखते थे, दिल्ली, क्योंकि तो दिल्ली सल्तनत थी वहां पर, वहां का ही सुल्तान था, तो दिल्ली के सरकारी गोदामों में से रखा जाता था। ठीक है, एक हमारा हो जाता है सरकारी गोदामों का निर्माण करवाया इसने। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा हो जाता है, वो हेडिंग हो जाती है राशन की व्यवस्था, क्योंकि जब मंडियों का निर्माण करवा दिया, गोदामों का निर्माण करवा दिया और गोदामों को क्या रखा, राशन रखे गए, तो राशन की व्यवस्था कैसे की, ये देख सकते हो, अकाल के समय में राशन व्यवस्था कर दी जाती थी प्रत्येक परिवार के लिए 6 किलो, कितना 6 किलो, 6 किलोग्राम अनाज प्रतिदिन दिया जाता था, इससे दिल्ली निवासी अकाल के भय से मुक्त हो गए। तो दिल्ली निवासी जो अकाल का भय हुआ करता था, भय क्या हो गए, मुक्त हो गए। ठीक है, और जनता उनसे क्या हो गई, खुश हो गई, कितना मिलता था 6 किलो प्रतिदिन अनाज दिया जाता था, तो राशन की व्यवस्था भी अच्छी की थी इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारी हेडिंग होती है, वो हो जाती है खाद्यान्न संग्रह पर रोक, क्योंकि अगर जो कह सकते हैं किसान लोग हैं, अगर वे खुद ही अपने घर में भंडार करेंगे तो बेचेंगे नहीं, तो उन्होंने कुछ खाद्यान्न संग्रह पर रोक लगाई, वो हो जाती है दिल्ली व उसके आसपास के प्रदेशों के आदेश लागू किया गया कि कोई भी परिवार 10 मन से, 10 × 20 मन, 2 क्विंटल से 10 मन से अधिक अनाज का संग्रह नहीं कर सकता। भाई 10 मन से ज्यादा अनाज वे अपने घर में नहीं रख सकते थे। ठीक है, ये एक आदेश लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट हेडिंग हो जाती है अपनी, वह हेडिंग हो जाती है कपड़ा व्यापारियों को ऋण, क्या मिला, जो कपड़ा व्यापारी थे उसके लिए क्या दिया जाता था, ऋण दिया जाता था। तो बात करते हैं कपड़े के व्यापार पर सभी सरकारी नियंत्रण लागू किया गया, जो कपड़े के व्यापारी थे उन पर सभी में क्या सरकारी नियंत्रण लागू किया गया, तथा कपड़ा व्यापार मुल्तानी व्यापारियों को, किसको, मुल्तानी व्यापारियों को सौंपा गया, उन्हें सरकारी खजाने से ऋण दिया जाता था ताकि ये अन्य स्थानों से सामान खरीदकर निर्धारित दरों पर सामान शराए अदल में बेच सके। किसे कहते, जो बाजार हुआ करती थी कपड़ा बेचने वाली, उसे कहते थे शराए अदल, क्या कहते थे, शराए अदल में बेचा करते थे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाती है ट्रिक, सॉरी ये हमारी हो जाती है हेडिंग कपड़ा व्यापारियों को ऋण। आगे बढ़ते हैं, ये अपना हो जाता है बहुमूल्य वस्तुओं के लिए अनुमति पत्र, कौन सा, जो बहुमूल्य वस्तु हो जाती हैं, जैसे कि बहुत सारी हो जाती हैं सोना चांदी हीरे जवाहरात। ठीक है, तो बहुमूल्य वस्तुओं के लिए अनुमति पत्र दिया जाता था, जैसे कि दिल्ली से कम दर पर उत्तम वस्त्र खरीदकर बाहर अधिक मूल्य पर ना बेचा जाए, इसकी अमीर उमरा, कौन, अमीर उमरा को आदेश दिया गया कि वे दीवाने रियासत से अनुमति पत्र प्राप्त करें। किससे, जो वहां पर वस्त्र खरीदा करते थे और बेचा करते थे वो कहां जाते थे, अमीर उमरा के पास जाते थे, और उनसे क्या लिया करते थे, रियासत से अनुमति पत्र प्राप्त किया करते थे कि आप यहां पर बेच सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, जो हमारी 8वीं हेडिंग हो जाती है वह हो जाती है बाजार के कर्मचारी। तो बाजार के कर्मचारी कौन कौन थे, इनको देख लेते हैं, तो 8वीं हेडिंग बाजार के कर्मचारी। ठीक है, तो बाजार तथा मूल्य निर्धारण के लिए एक अलग विभाग दीवाने रियासत की स्थापना की गई थी। जो बाजार हो जाती है बाजार तथा मूल्य निर्धारण के लिए, बाजार तथा मूल्य निर्धारण के लिए एक अलग जो हमारी हो जाती है विभाग दीवाने रियासत, कौन सा था, दीवाने रियासत की स्थापना की गई थी, जिसमें गल्ला बाजार और अन्य बाजार इसी के नियंत्रण में थे। गल्ला बाजार जो था और अन्य बाजार जो हुआ करते थे वो इसी के नियंत्रण में आते थे, तथा प्रत्येक बाजार में 3 उच्च अधिकारी रहा करते थे। पहला हो जाता है सहना ए मंडी तथा बरीद, और हो जाता है तुम्हारा मनहियन होते थे, कौन, मनहियन होते थे। ये तीनों अलग अलग सुल्तान को अपनी सूचनाएं भेजते थे। ये तीनों होते थे वो क्या करते थे, अलग अलग अपने अपने सुल्तानों को क्या करते थे, अपनी सूचनाएं भेजा करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारी हो जाती है, वो हो जाती है अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति या आर्थिक सुधारों के परिणाम क्या देखने को मिले, ये देखते हैं। तो
तो अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण नीति या आर्थिक सुधारों के परिणाम क्या हुए? अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों से निम्नलिखित अच्छे परिणाम देखने को मिले और उसे लाभ हुआ था। किस किस का हुआ था ये आप यहां पर देख सकते हो। पहला जो लाभ हो जाता है वो इस प्रकार से हो जाता है कि वह हो जाता है आवश्यक वस्तुओं के भाव कम होने के कारण वह कम वेतन पर एक विशा क्या एक विशा स्थाई सेना रख सका, है ना, रख सकेगा कितनी एक विशा। अब ये क्या बनेगा, एक विशा स्थाई सेना रख सकेगा। उसके पास कितने थे, 475,000 घुड़सवार सेना थी। कौन सी, ठीक है, 475,000 इसके पास क्या थी, घुड़सेना थी, ठीक है, 475,000 कह सकते हैं। तो बात करते हैं जिसकी यहां पर देखा है आवश्यक वस्तुओं के भाव कम होने के कारण वह कम वेतन पर, क्या जब आप बाजार कम हो गई है तो वेतन क्या देना पड़ेगा, उसे कम देना पड़ेगा, तो कम वेतन पर एक विशा स्थाई सेना रख सकेगा जिसकी शक्ति से अपने राज्य के अंतरिम विद्रोह का दमन किया जा सकेगा। जिस प्रकार से मंगोलों ने आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर, अगर ये सेना का निर्माण नहीं करता, बाजार व्यवस्था लागू नहीं होती और ये इसके पास सेना इतनी सारी नहीं होती तो ये क्या होता, हार जाता। तो वही दे रखा है जिसकी शक्ति से अपने राज्य में आंतरिक विद्रोह का दमन किया जा सके, शांति तथा व्यवस्था की स्थापना की जा सके, मंगोलों के आक्रमण का अंत किया और अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया था इसने इसी प्रकार से, ठीक है, क्योंकि मंगोल आए थे, लाखों लाखों में सेना आती थी, उसको भी मार गिराया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारी हो जाती है दूसरा जो परिणाम देखने को मिला था वह कौन सा हो जाता है, सुल्तान के अनाज संग्रह तथा राशन व्यवस्था से लोगों को अकाल से भय से मुक्ति मिल गई थी तथा इसके अतिरिक्त आवश्यक वस्तुएं सस्ती तथा आसानी से मिल सकती थी। इसमें जनजीवन खुशी हो गया था, पर अलाउद्दीन के सुधारों के निम्न दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि सुल्तान द्वारा लगाए गए अधिक करों से प्रजा कैसी हुई थी, दरिद्र हो गई, और हिंदुओं की स्थिति तो अत्यंत दयनीय हो गई क्योंकि उन्हें मुसलमानों की अपेक्षा अधिक कर देना पड़ता था, ठीक है। तो यहां पर कुछ दुष्परिणाम भी इसके देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहां पर हमने सारा की सारा क्वेश्चन देख लिया, क्वेश्चन नंबर 6। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, ठीक है, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और फ्रेंड्स नोट्स डाउनलोड कर लेना, ठीक है, जो कि आपको क्या हो, जब आपका एग्जाम हो और आपको रिविजन करने में बहुत ही आसानी हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद, जय भारत।